देखिए तो भव्य है पूरा। हम फर्स्ट क्लास हैं। खानदानी है मतलब कि यही सब लाइन। इस समय मुझे एक बांधते का लाइन है का? स्टार्ट हो गया। मैंने जैसे बोला, भैया ने बोला सरकार तो इस बार लेट परमिशन देने के कारण जो हम खाएंगे खाना वो उसको भी खिलाएंगे। तो हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, हम लोग अभी दुर्गा जी का जो मूर्ति बन रहा है वहाँ पर आए हुए हैं, बंगाली अखाड़ा में। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कैसे मूर्ति बनता है, कितना मेहनत लगता है, कितना टाइम लगता है। हम लोग पूछेंगे मूर्तिकार से, जो आर्टिस्ट यहाँ पर बनाते हैं। देखिए भैया कितना शांति से उसको अभी कलर कर रहे हैं। मूर्ति हमारा से बन के तैयार है। देखिए तो भव्य है पूरा, बड़ा सा बनकर अभी तैयार नहीं हुआ है। कलर करने के बाद और इसमें ड्रेस वगैरह पहनाने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगेगा। कितना साल से बना रहे हैं? हम फर्स्ट बार बना रहे हैं। अच्छा, पहला है मतलब। यहाँ पर हल्का पेंट हो चुका है वैसे, बाय द वे। और भैया कर रहे हैं। तो फिलहाल तो गाइस मैं बंगाली अखाड़े में था, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और देखते हैं। कोई यहाँ पर ज़्यादा कोई बोलने बताने वाले है नहीं, तो मैं कहीं और ट्राई करता हूँ। गाइस हम लोग अभी कुर्सी के पास हैं, यहाँ भी मूर्ति बन रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी कुमार। सनी कुमार, ये क्या बना रहे भैया? ये दुर्गा माँ का हाथ बन रहा है। हाथ बन रहा है। कितना टाइम लगता है मूर्ति बनाने में भैया? एक महीना से काम चालू है। एक महीना से? मतलब एक महीने में कितना मूर्ति बनेगा? एक महीना में हम लोग वही 10 सेट दुर्गा जी बनाते हैं। एक महीने में 10 ही दुर्गा जी? बहुत मेहनत लगता है ना। बहुत लक्ष्मी जी सरस्वती से ज्यादा मेहनत का 10 हाथ है ना, 10वां हाथ में मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, ये मिट्टी कौन सा इस्तेमाल होता है इसमें? गंगा मिट्टी है। गंगा जी का? हाँ। सूखने का मतलब कितना टाइम लगेगा भैया? अब भगवान के ऊपर है, मौसम ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो हेलोजन मार के किसी तरह से सुखाएंगे। अच्छा, है कि अब 4-5 दिन बचा हुआ है दुर्गा पूजा का। मौसम तो खराब है, धूप आ नहीं रहा है, यही बात है। फिर भी लेकिन सुखाएंगे इसको, किसी तरह से सुखाना है ना, पार्टी को तो सुखा कर देंगे। तो गाइस प्रॉब्लम है कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बारिश वाला मतलब लगातार भैया सब को दिक्कत हो रहा है, सूख नहीं पा रहा, धूप निकल नहीं रहा है। और बस दुर्गा पूजा के लिए एक सप्ताह ही बच गया, समझे 5-4 दिन बचा है, तो आपको पहले कंप्लीट करना पड़ता है। धूप अगर नहीं आएगा तो भैया ने बताया कि मेहनत बहुत लग जाएगा सुखाने के लिए, उनको कुछ चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो है यहाँ से मतलब कि आपको दिया गया है पैसा वगैरह की बनाने के लिए, अपना बना के बेचते हैं? ये ऐसा है ना कि ये समिति लोग जो होते हैं ना, दुर्गा पूजा लोग मनाते हैं, हाँ वो लोग ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर में है ना, उसके बाद ही हम लोग काम करते हैं। सरकार तो इस बार लेट परमिशन देने के कारण हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। अच्छा, एक महीना में आदमी क्या करेगा? एक महीना में क्या करेगा? प्रॉब्लम तो है कि पहले से सरकार ने ऑर्डर तो लेट ऑर्डर दिया है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। और प्रॉब्लम तो ज़्यादा होगी, धूप अगर नहीं मिलेगा तो सुखाने के लिए फिर उनको कुछ चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो और आगे हम लोग जा रहे हैं और वैसे कुछ पूछते हैं कैसे कैसे मूर्ति बनाया जाता है। क्या क्या इस्तेमाल होता है इसमें? बांस, पुआल, सुतरी, कांटी, मिट्टी, पटुआ, धान, भूसा, सारा चीज इसमें। कितना तरह का मिट्टी बोले? चार प्रकार का इसमें मिट्टी यूज होता है, तब जाकर इनका मिट्टी का फाइनल ये होता है। फिर उसके बाद कपड़ा सट आता है, फटे ना, फटने के लिए भी। अच्छा, कपड़ा वपड़ा जो लगता है भैया उसका काम आप ही लोग करते हैं, कोई और नहीं? सब टोटल हम ही लोग सजा कर फाइनल करते हैं, आप ही लोग फाइनल करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से जाता है ना? हाँ, यहाँ से नहीं, सब अब स्थान पे चला जाएगा, मूर्ति वहीं सजेगा। तो डायरेक्ट उसी दिन जाएगा पूरा कंप्लीट होने के बाद? नहीं, समझिए आपको 7 तारीख को कलश है ना, तो 4-5 से मूर्ति सब जगह जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब वो लगातार काम करते हैं यहाँ ना? हाँ, रात सुबह में उठते हैं, इसी में भीड़ रहते हैं, रात में 12 बजे 1 बजे सोते हैं। कितना साल का भाई एक्सपीरियंस है आप लोगों? हम तो बचपन से कर रहे हैं। बचपन से कर रहे हैं तो पूरा हाँ कर दिया, समझिए कि खानदानी है मतलब कि यही सब लाइन। अच्छा, इसी लाइन में तो कहाँ तक बचा? आई थिंक ये मगरमच्छ है।
ढांचा समझ लो इसका। तो ये पेंट हो जाएगा, फिर कपड़ा उसमें सब लग जाए तो बहुत खूबसूरत लगेगा गाइस। ऐसे तो देखने में अभी लग रहा है कि मेहनत इसमें बहुत लगा है बनाने में। ढांचा भी सिर्फ हाथ के लिए, पैरों के सब का भी इस्तेमाल करते हैं। जो मतलब कि ज्यादा बनाना होता है ना, हाँ, उसका डाई बना लेते हैं हम लोग खुद से, हाथ से बना के, हाँ, एक डाई बनाते हैं। फेस का भी डाई बनाते हैं, पहले हाथ से बनाते हैं, हाँ, तब डाई बनाते हैं। नहीं तो एक ही चीज बार बार कितना बनाए, कितना बनाए। तो मतलब फेस का भी ऐसा बनाया हुआ है? हाँ, फेस का भी है, लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा मूर्ति रहता है उसका हाथ से बनाते हैं हम लोग। तो गाइस मैं अभी कुर्जी के पास, कितना मेहनत लगता है भैया ने बताया, हर कोई नहीं कर सकता है, मतलब आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा भी चाहिए एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको, साल कम से कम मैक्सिमम 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तब आपकी मूर्ति बनेगा जल्दी। मैक्सिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई ऐसे नॉर्मल के लिए, कितना तजुर्बा होना चाहिए बनाने के लिए मूर्ति, कितना साल का? इसमें सबसे बड़ा बात है ना कि आपको मतलब कि चाह होना चाहिए अंदर, मतलब कि बनाने का मतलब कि हम कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं ना, जबरदस्ती नहीं है। अगर अंदर में चाह है तो कुछ भी इंसान कर सकता है। आज कोई बड़ा चीज़ नहीं, अब तो पढ़ाई करके भी आज कॉलेज एडमिशन करवा लीजिए, और ऐसे तो हमारा घर का चीज़ है तो हम अपने सीख गए, ऐसे आर्ट कॉलेज का भी तैयारी करेंगे तो पढ़े लिखे हो जाएंगे तो कुछ बाहर से भी काम होगा मेरा। अभी तो यहाँ कर रहे हैं, पढ़ लिख लेंगे थोड़ा सा तो बाहर भी काम मिलेगा तो करेंगे हम लोग जाके, लेकिन अभी तो बस इतना ही दूर में ना रहेंगे। मतलब अभी से पटना के लिए बनाते हैं ना, बाहर का भी नहीं? बाहर का काम लेते हैं, बाहर का काम आपको सीजन के बाद, मान लीजिए वही फरवरी के बाद बाहर काम करते हैं, सीमेंटेड काम करते हैं, पत्थर का माल, पत्थर का मूर्ति बनाते हैं। तो पत्थर का मूर्ति बनाते हैं? हाँ, उसका भी काम कर लेते हैं हम लोग। अगर आपको सीखना है तो मैक्सिमम 5 साल मेरे पास रहना होगा। अच्छा। आपको हम मतलब कि इतना हुनर दे देंगे कि आप कर सकते। सीखना चाहे तो मतलब क्या होगा, चार्ज क्या रखिएगा? कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। हम जहाँ तक खिला के अपना खुद खिलाएंगे, जो हम खाएंगे खाना वो उसको भी खिलाएंगे, साथ में रखेंगे, काम करेगा, सीखेगा। वाह, बहुत अच्छा बात है। उससे कोई चार्ज नहीं है, कला का कोई कीमत नहीं है, और दूसरा नंबर पैसा भी हम लोग लेना नहीं चाहते। मेहनत ही इतना है ना कि आदमी मेहनत करते करते पागल हो जाए। भैया बना रहे हैं, आप क्या नाम है भैया? मनीष बना रहे, लगे हुए हैं एकदम, कहीं उनका ध्यान नहीं है, दोनों का देखिए मैं पूछ रहा हूँ तब बता रहे थे, लेकिन ध्यान कहीं भी नहीं है, अपने काम पे लगे हुए हैं। देखिएगा बारिश स्टार्ट हो गया, मैंने जैसे बोला, भैया ने बोला कि प्रॉब्लम तो होगा सूखने के लिए, बड़ा ज़ोरदार बारिश होने लगा, हम लोग ऐसे अंदर खड़े इसलिए भीग नहीं रहे हैं, प्लास्टिक लगवा ऊपर मूर्ति को बचाने के लिए। इस समय भाई ये बांधते का है लाइन धागा? भैया होता क्या है कि कभी कभी अगर हाथ ढीला पड़ गया, मान लेते हैं जो हम सेट में दिए थे वो सेट नहीं आता है, हाँ, हल्का नीचे आ गया, उस कंडीशन में थोड़ा सा रस्सी दे के इसको टाइट कर दिया है। फिर बाद में हटा दिएगा ना? बाद में हटेगा, तब जब थोड़ा टाइट हो जाएगा, सेट में रह जाएगा, अच्छा, कपड़ा लग जाएगा, तो जो कपड़ा साटते हैं उसके बाद फिर इसको हम हटा देंगे। तो अभी नहीं हटेगा मतलब लग रहा है? नहीं, हाँ, अभी क्योंकि ढीला है, मट्टी अदरवाइज जब सूखने के बाद थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तब उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। कितना साल से कर रहे हैं बाबा? कितना साल से कर रहे हैं? हम तो करीब 700 साल से कर रहे हैं। कितने साल? 60 साल। वाह, पूरा एक्सपीरियंस होगा आपको ना? हाँ, बचपन से हम इस लाइन में हैं।
रहने वाले कहाँ आप लोग? बिहार पटना? रहने वाले पटने के हैं। बिहार वहाँ भी है, समस्तीपुर भी मेरा घर है। समस्तीपुर? हाँ, लड़का है वो सर। हाँ लड़का है। हाँ वो लड़का है, वो पोता होगा। पेंट उठ कब से स्टार्ट होगा? पेंट आशा धरिए जो 3 या 4 से चालू होगा। अच्छा, मौसम के लेके थोड़ा काम धीमे हो गया। हाँ, धूप नहीं निकल रहा है तो। हाँ, तो छटपट कर रहा है, डेली बारिश हो जा रहा है। हाँ, बारिश से थोड़ा काम धीमे हो गया। तो इस बार लेट से स्टार्ट किए का काम? जी हाँ, अब अभी तो सरकार के तरफ से आदेश लेके पीछे के मिला। पहले तो करना करना को अभाव में लोग पड़े रहे, साल भर से तो बैठे। ऐसे पहले मिलते थे तो कितने टाइम से करते थे? मतलब 2-3 महीने पहले? पहले देखिए बोलिए जो, हाँ 2 महीना पहले से काम चालू रहता था। अच्छा, इस बार लेट हो गया ना? इस बार लेट कर रहे हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम है देवलाल पंडित। ठीक है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं।